Okay, class 7. In the last video, we were discussing about the area. तो हमने area find करना discuss किया था कि triangle का area क्या होता है, ठीक है? Scale in triangle का क्या होता है? हमने Heron's formula से उसको find करना सीखा, ठीक है? उसके बाद हम सीख रहे थे क्या कि कोई भी अगर room दिया है और उसके बाहर या कोई आपको field दिया है और उसके बाहर हमें एक लॉन टाइप से फाइंड करना है या फिर गैलरी फाइंड करनी है और उसका पाथ का एरिया फाइंड करना है, तो वो कैसे फाइंड करते हैं? तो टू टाइप से आए थे, एक एक्सटर्नल आया था, एक इंटरनल आया था। जब एक्सटर्नल एरिया होता है तो क्या होता है, लेंथ प्लस विड्थ प्लस 2x ब्रैकेट मल्टीप्लाई विद 2x। तो ये 2x क्या है? 2x एक्स मीन्स जो लेंथ बाहर है, बाहर की तरफ है वो लेंथ है, ठीक है, वो विड्थ है। ये ऑलवेज इक्वल होगी, ठीक है, मीन्स जो आप पाथ ट्रेवल करोगे उसके चारों तरफ वो क्या होगा, एक इक्वल डिस्टेंस का होगा, डिफरेंट का नहीं, ठीक है। अगर डिफरेंट का होगा तो फिर अलग अलग से फाइंड करना पड़ेगा हमें, ठीक है। एरिया ऑफ द इंटरनल पाथ, इंटरनल पाथ का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, एल प्लस बी माइनस 2x ब्रैकेट ऑफ 2x, ठीक है। तो यहाँ पर जब इंटरनल का होता है तो माइनस हो जाता है और जब बाहर का होता है तो प्लस हो जाता है, हमें ये याद रखना था, ठीक है। ये तो रेक्टेंगल फील्ड के लिए था। स्क्वायर फील्ड के लिए देखो, पहले एक सर्कुलर फील्ड के लिए पाथ इज इनसाइड इन ए सर्कुलर फील्ड, स्क्वायर फील्ड के लिए तो सेम रहेगा, ठीक है। वहां लेंथ प्लस ब्रेथ होके क्या हो जाएगा, ए प्लस ए 2a, 2a माइनस 2x, तो 2 बाहर आ जाएगा होगी। यहां से देखो ये एक सर्कुलर फील्ड है और ये इसके इनसाइड में कोई एरिया, मान लो इस बाहर वाले की डिस्टेंस कैपिटल आर है और स्मॉल वाले की डिस्टेंस स्मॉल आर, ठीक है। और आपसे एरिया पूछ लिया जाए कि इस इनिशियल पाथ का एरिया क्या होगा, तो मैं बाहर वाले एरिया में से अंदर वाला एरिया सबट्रैक्ट कर दूंगा, मीन्स एरिया ऑफ एक्सटर्नल सर्किल माइनस एरिया ऑफ इंटरनल सर्किल, तो ये क्या होगा, एरिया ऑफ एक्सटर्नल सर्किल माइनस एरिया ऑफ इंटरनल सर्किल, तो एक्सटर्नल सर्किल के लिए पाई आर स्क्वायर माइनस इंटरनल के लिए पाई स्मॉल आर स्क्वायर। देखो यहां पर ध्यान रखना, जो ये बाहर वाला है उसकी रेडियस बड़ी है और इंटरनल वाले की क्या है, छोटी, जब इनसाइड की बात करें, और आउटसाइड की बात करेंगे तो वहां पर क्या होगा, स्मॉल आर इनसाइड वाला होगा और कैपिटल वाला क्या होगा, बाहर वाला कैपिटल आर, तब भी सेम फॉर्मूला लगेगा, सिर्फ यहां पर हमें हेडिंग चेंज कर देनी है इनसाइड और आउटसाइड, ठीक है। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, पाई कॉमन कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर, ओके। लेकिन अगर आपको एक्स के टर्म में दे दे, मान लो ऐसे ना दे और एक्स के टर्म में दे दे, कि ये एक्स के टर्म में दिया हुआ है,
जैसे इसमें गिवन है आपको x के टर्म में, टर्म ऑफ x इज दिस, तो ये भी इजी है। देखो एक तो इस टर्म में कर सकते हो, सेकंड वो x के टर्म में देख, ये आपको जो इनके बीच का गैप है वो क्या है, x है। तब बताता हूँ, इफ गैप इज x मीटर, ठीक है, तो ये क्या कहना चाहता है, यहां से देखो अगर वो इस तरह से इस पाथ को x कह दे, ठीक है, इस वाले को, और ये रेडियस है यहां से बाहर वाले की r, ठीक है, तो बाहर वाले का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और इनिशियल का क्या हो जाएगा, पाई और r, स्मॉल r माइनस, मीन्स बाहर वाले में से x को सब ट्रैक कर दू तो इंटरनल आ जाएगा r माइनस x का स्क्वायर, ओके, सो हियर r इज द एक्सटर्नल रेडियस, ओके, नाउ लेट्स सी, सो एक्सटर्नल रेडियस एरिया ऑफ एक्सटर्नल सर्किल माइनस एरिया ऑफ इनर, तभी तो इस पार्ट पर क्या होगा, एरिया, लेकिन ये किस टर्म में दिया हुआ है, x के टर्म में दिया हुआ है, तब कैसे करना है, तो देखो यहां से r पाई r स्क्वायर माइनस पाई, और देखो जब होल क्रिएटेड होता है तो उसे ओपन करते किस तरह से, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू आर एक्स, ये एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का, मीन्स जब आपको टू टर्म्स गिवन है और उनका होल स्क्वायर दिया हुआ है तब उसे इस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ओके, नाउ लेट्स सी पाई आर स्क्वायर, यहाँ इस पाई का मल्टीप्लाई करोगे ईच टर्म से, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर टू आर एक्स, तो पाई आर स्क्वायर कट हो गया, यहां से क्या बचा, पाई आर स्क्वायर सॉरी पाई एक्स स्क्वायर और टू आर एक्स, कुछ कॉमन आ रहा है यहां से, x कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, x कॉमन, और क्या कॉमन आ रहा है, पाई का भी तो मल्टीप्लाई था यहां पर, ठीक है, तो यहां पर पाई का मल्टीप्लाई था, तो पाई और x कॉमन आ गया, तो यहां से क्या बचा, टू आर माइनस एक्स, और टू आर को क्या कहते हैं, हम डायमीटर कहते हैं, क्या कहते हैं, डायमीटर, तो ये भी ध्यान रखना है, इस तरह भी लिख सकते हो पाई एक्स डी माइनस एक्स, तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखोगे आप, पाई एक्स टू आर माइनस एक्स इक्वल टू पाई एक्स डी माइनस एक्स, ओके, डायमीटर माइनस एक्स, एक्स क्या है यहां पर, दोनों मीन्स इनिशियल बाउंड्री और एक्सटर्नल बाउंड्री दोनों के बिटवीन डिस्टेंस, ओके, तो ये एक बेसिक था पूरा, जहां पर आपने फॉर्मूलाज को लर्न किया, रीड किया, अब मैं आपको एक एक करके इनके एग्जाम्पल बताता हूं कि किस तरह से किसी का अगर आपको फाइंड करना है क्या, जैसे पैरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है, लेंथ फाइंड करना है, साइड फाइंड करनी है, रेडियस फाइंड करना है, ठीक है, सर्कमफेरेंस फाइंड करना है, और फिर उनके एरिया से रिगार्डिंग बताऊंगा, तो मैं आपको पहले एग्जांपल्स बता देता हूं जिससे आपको समझ में आए कि हमने क्या स्टडी किया। तो मान लो आपको एक ट्राइंगल दिया है जिससे क्वेश्चन दे दिया आपको, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, ये दिया, ठीक है, ये हमें ट्राइंगल की साइड दी हुई है और कहा है फाइंड द पेरिमीटर एंड एरिया। अब देखो मैं दोनों ही चीजें बता रहा हूं आपको कि पैरीमीटर कैसे फाइंड करोगे और एरिया कैसे फाइंड करोगे। तो पहले हम पैरीमीटर देखते हैं, पैरीमीटर क्या हो जाएगा, पैरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी, मीन्स इसे क्या कहते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स,
पेरिमीटर ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स मीन्स ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा? 5 + 6 + 7। तो ये कितना आ गया? 5 + 6 = 11 + 7 = 18। तो यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे? हाफ पेरिमीटर एस फाइंड करेंगे। एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना था? 18 अपॉन टू 9। अच्छा ये मीटर में आते हैं सभी, ये ध्यान रखना। और एरिया किसमें आएगा? मीटर स्क्वायर में। तो एरिया क्या हो जाएगा यहां से? एरिया रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस की वैल्यू क्या है? 9 - 8 = 5 - 9 - 6 - 9 - 7। ठीक है, तो पेरीमीटर तो ये हो गया, ये इसका एस हो गया। अब मैं इसका एरिया फाइंड कर रहा हूं। तो एरिया कैसे फाइंड करोगे आगे? देख, रूट ऑफ 9, 4, 6 का हो गया 3 और ये हो गया 2। अब देखो जब 9 है तो 9 का अंडर रूट क्या होता है? रूट ऑफ 9 3। क्या होता है? 3। और 4 का रूट क्या होता है? 2। और बचा क्या आपके पास? रूट ऑफ 3 × 2 = 6। 3 × 2 = 6। ठीक है, तो ये आ गया 6 × 6। और यहाँ ये सब चलता है मीटर स्क्वायर में, इसमें आता है मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? 6 √6। ठीक है, रूट सिक्स की वैल्यू होती है 2.56 या 7 मान लो, 2.57। ठीक है, 6 या 7। तो दिस इज द एरिया ऑफ स्केलेन ट्राइंगल और पेरीमीटर ऑफ स्केलेन ट्राइंगल। अब देखो इसी तरह से दूसरा एग्जांपल, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है। ये राइट एंगल ट्राइंगल हैज 3 cm, 4 cm एंड 5 cm। फाइंड पेरिमीटर एंड एरिया कैसे फाइंड करेंगे? देखो पेरिमीटर तो सेम है, ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या हो जाएगा? 3 + 4 + 5 आ गया 12। अब एरिया की बात करते हैं, एरिया क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ बेस इंटू में हाइट, यही होता है ना, बेस इंटू में हाइट। तो हमेशा ध्यान रखो ये जब राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेनस होता है। क्या होता है? हाइपोटेनस। और रिमेनिंग एक साइड बेस होती है और एक साइड क्या होती है? हाइट। तो यहां पर ध्यान रखो ऑलवेज ग्रेटेस्ट साइड इज हाइपोटेनस। तो ग्रेटर साइड क्या होती है? हाइपोटेनस होती है। इसका मीन्स हाफ ऑफ, अब बेस और हाइट दोनों में से कोई कंफर्म करके नहीं दिया तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि नहीं, तो ये हो जाएगा 2। ये कितना आ जाएगा यहाँ से? 6 m². ठीक है, 6 m². ये समझ में आ गया आपको कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल, ठीक है, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल।
तो उसका पेरीमीटर और एरिया कैसे फाइंड करते हैं। ओके, इसी तरह से अगर मान लो आपको दे दिया जाए एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज साइड हैज 4 सेंटीमीटर साइड, फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर। तो यहां से बेसिकली आप क्या करोगे, पैरामीटर तो सेम है, देखो ऑल साइड इक्वल होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो a प्लस बी प्लस सी मीन्स क्या आ जाएगा, 3 प्लस 3 प्लस 3 दैट इज 9 डिग्री, सॉरी 4 दिया है, 3 क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, √3/4 a स्क्वायर होता है, तो √3/4 और a स्क्वायर मींस साइड का स्क्वायर, और स्क्वायर का मतलब क्या होता है, साइड का, साइड से मल्टीप्लाई, तो √3/4 और 4/4 से मल्टीप्लाई, तो यह आ गया 4√3। ओके, दिस इज द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, अब देखो मैं आपको स्पेशल काइंड ऑफ क्वेश्चन देता हूं और उसका आंसर आप मुझे बताइए, ठीक है। एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल ट्राइंगल विच पैरामीटर इज 15 मीटर एंड ऑन इक्वल साइड इज 3 मीटर हाइट एरिया। ओके, क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है, पेरीमीटर भी और एरिया भी। देखो आपको आइसोस्केलेस ट्राइंगल दे रखा है, उसका पेरीमीटर दे रखा है 15 और हमें अनइक्वल साइड दे रखी है 3 सेंटीमीटर। आइसोस्केलेस ट्राइंगल का मीन क्या होता है, जिसकी टू साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो हमें क्या अज्यूम करना पड़ेगा, वही तो गिवन नहीं है, दैट इक्वल साइड इज एक्स मीटर, क्या है एक्स मीटर। तो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, पैरामीटर ए प्लस बी प्लस सी, तो यहां से एक्स एक्स और ये थर्ड साइड क्या दिया जो अनइक्वल है 3, और ये इन सब का सम कितना दिया हुआ है 15। पैरामीटर क्या थी 15, तो पैरामीटर के नीचे और साइड के नीचे साइड, तो इक्वल साइड थी एक्स एक्स और अनइक्वल थी 3, ठीक है। तो ये हो गया 2x, ये 3 इधर आएगा तो सबट्रैक्ट, ये आ गया 12x, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 12/2 दैट इज 6 मीटर। तो यहाँ पर आपके पास में इक्वल साइड हो गई 6 मीटर और अनइक्वल साइड्स क्या हो गई 3। अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 यही तो होता है, तो यहाँ से ये कितना हो गया 6 प्लस 6 प्लस 3/2 दैट इज 15/2, इसे कहते हैं 7.5।
ठीक है। अब देखो एरिया क्या होता है, यहां से एरिया फाइंड करोगे आप तो एरिया होता है रूट ऑफ एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। तो रूट ऑफ एस की वैल्यू क्या है यहां पर 7.5 माइनस 6 और उसके बाद थर्ड साइड क्या है 7.5 माइनस 3, यहां 6 की वैल्यू हो गई 1.5 देखो ये 1.5 1.5 तो एक तो पेयर से बाहर आ गया, मैं इसे क्या लिख सकता हूं 15 × 5 और इसे 15 × 3 तो यहां पर भी 0.3 और यहां पर भी 0.3 ये 15 बाहर आ गया। ब्रैकेट में क्या बचा 0.15 मीन्स अपॉन में 100 है तो नीचे बाहर 10 आ जाएगा तो 0.15 मीन्स ये क्या बन गया 2.25 रूट ऑफ 15 ये है, ठीक है। 2.25 रूट ऑफ 15 ये वैल्यू आई। तो ये एरिया फाइंड करना है आपको इस तरह से, ठीक है। हमने देखो पेयर को बाहर निकाला है बन बन करके वो तुमने, ठीक है। तो ये तो ट्राइंगल से रिलेटेड एग्जांपल देखिए हम ट्राइंगल को कैसे सॉल्व करते हैं और उसके एरिया कैसे फाइंड करते हैं। अब इसी तरह हम रेक्टेंगल का देख लेते हैं। रेक्टेंगल में देखो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 80 मीटर, ठीक है। लेंथ इज 15 मीटर, फाइंड विड्थ, फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखो हर एक टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। सिर्फ बेसिक समझते जाओ क्या होगा। पेरिमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 80 मीटर, लेंथ इज 15 मीटर, फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ कैसे फाइंड करते हैं देखो, हमने सिक्स क्लास में भी सीखा है कि पेरिमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस विड्थ, यही होता है ना। तो यहां से पेरिमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है 80, ट्वाइस ऑफ लेंथ, लेंथ की वैल्यू क्या है 15 और विड्थ, विड्थ हमें फाइंड करना है। देन देखो इस कंडीशन में टू सॉल्यूशन होते हैं, एक तो ये कि मैं इस टू का मल्टीप्लाई कर दूं, सेकंड सॉल्यूशन ये कि मैं इससे डिवाइड कर दूं, डिवाइड वाला ज्यादा बेटर है तो मैं इससे डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा 40, दैट इज इक्वल टू 15 प्लस 2। अब ये ध्यान रखना मैंने इस 2 का डिवाइड कर दिया है तो 15 प्लस 2 बचेगा यहाँ पर, तो 40 के इक्वल में क्या बचा था 15 प्लस 2, तो b की वैल्यू आ गई यहाँ से 40 माइनस 15 कितना आएगा 25। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू में विड्थ होता है, तो यहाँ लेंथ की वैल्यू क्या है 15 और विड्थ की वैल्यू क्या है 25, आंसर आएगा 375 मीटर स्क्वायर, ओके।
So this is the area and this is by the perimeter. So perimeter of rectangle is twice bracket of length plus width. So length की value दी हुई है आपको 15. Width हमें find करना है तो width में हम b लिखेंगे और perimeter को क्या 18. तो यहाँ 80 को 2 से divide करोगे 40. 40 equal to क्या बचा आपके पास 15 plus b. तो ये 15 plus b है तो b की value find करना तो b क्या हो जाएगा 40 minus 15 और answer आ गया 25. Area आ जाएगा क्या 15 into में क्या 25. तो ये है हो गया 375. बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक. अच्छा देख एरिया ऑफ ए स्क्वायर देखो ये वो है जो बेसिक्स बनाते हैं आपके बेसिक्स पर डिपेंडेंट है. सिक्स क्लास तक आपने जो भी सीखा है वो सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है. ठीक है इसके बाद में कुछ हायर क्वेश्चंस जो हमने एरिया किया था अभी रेक्टेंगल के आगे जिसे हमने रोम्बस का किया था. ठीक है या पैरेललोग्राम का किया था तो वो एरियाज भी सीखेंगे. पहले ये देखते हैं. ठीक है तो यहाँ पर सॉल्यूशन देखो इसका हमें एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है. तो एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर यही होता है ना या फिर साइड इनटू द साइड. तो एरिया कितना दिया हुआ है इसका 324 और ये क्या है साइड का स्क्वायर. तो साइड कैसे फाइंड करते हो आप रूट ऑफ 324. तो साइड क्या आ गई यहां से रूट ऑफ 324. देखो मैं यहाँ 324 के फैक्टर्स बताता हूँ. हमेशा रूट के अंदर क्या आते हैं फैक्टर्स आते हैं. 324 है 2 से डिवाइड होगा कितना आ जाएगा 163. 2 से डिवाइड होगा 81. 3 से डिवाइड होगा 27. 3 से डिवाइड होगा 9. 3 से डिवाइड होगा 3. तो ये पेयर बन गए यहाँ पर इसके. जब भी हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो हम 2-2 के पेयर बनाते हैं और उन्हें स्क्वायर से रूट से बाहर लेते हैं. तो 2, 3 और 3 ये हो गया 18 मीटर. तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या आ गई 18 मीटर. अब पेरीमीटर क्या होता है इसका फोर मल्टीप्लाइड साइड. तो यहाँ से पेरीमीटर क्या आ जाएगा 4 × 18 और ये आ गया 72 मीटर. बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम. हमने एरिया एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड स्क्वायर. तो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर है तो यहाँ से 324 एरिया के नीचे लिख देंगे बिकॉज एरिया की वैल्यू दी हुई है और ये साइड स्क्वायर. तो 324 इज इक्वल टू साइड स्क्वायर. तो साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट ऑफ 324 साइड. यहाँ से साइड क्या हो जाएगा रूट ऑफ 324. 324 को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा ये 18. तो यहाँ से पेरीमीटर फाइंड करोगे 4 × साइड मीन्स 4 × 18 72 मीटर. इतना समझ में आया आपको. ओके रिमेनिंग क्वेश्चंस वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके.